तो हम आज आपको कराएंगे कानपुर की सैर। कानपुर आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाएंगे जिसको देख के आपको मजा ही आ जाएगा। आज हम आपको लेके आए हैं कानपुर की मशहूर मोहन खस्ता भंडार, जो कि मशहूर है अपने खस्ते के लिए। तो फिर आइए ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं मोहन खस्ता भंडार और इंजॉय करते हैं यहाँ का स्वाद, यहाँ का जबरदस्त टेस्ट। आज हम आए हैं मोहन खस्ता भंडार, जो कि बहुत ही मशहूर खस्ता शॉप है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये यहाँ के खस्ते, कानपुर के सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं नंबर वन खस्ते जो हैं यहाँ के होते हैं मोहन खस्ता भंडार में। ये आपको सिटी सेंटर के सामने माल रोड पे मिलेगा बहुत ही मुनासिब दामों में। 12 रुपये के 2 खस्ते आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी लोग पसंद करते हैं यहाँ के खस्ते और कानपुर का नंबर वन खस्ता है ये। मुस्तैदी के साथ खस्ते तल रहे हैं भैया। बहुत ही पुरानी शॉप है ये, लेकिन आप देख सकते हैं काम में मेहनत में कोई कमी नहीं है। इन्होंने मेहनत करके अपनी शॉप को इतना बढ़ाया है, अब ये पूरे कानपुर में मशहूर हो चुकी है शॉप। लोग दूर दूर से आके यहाँ का मज़ा लेते हैं। ये आपका नाम क्या है? शिव कुमार नाम है इनकी, मोहन खस्ता भंडार जो कि यहाँ पे मेन जो काम करने वाले हैं। ये आपकी दुकान कब से स्टार्ट हुई थी भैया? 1936 में। देख सकते हैं आप कितने साल हो गए हैं, अब जोड़ सकते हैं आप अपने आप की कितने साल हो चुके हैं और इनकी दुकान वहाँ से यहाँ तक कितना, बहुत छोटे से स्टार्ट किया होगा भैया आपने? ये हमारे बाबा जी ने स्टार्ट किया था। जी जी जी, पिताजी ने किया, हमने करना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आपने पूरी ये पुश से चली आ रही है शॉप है और बहुत ही शानदार खस्ते बनते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग भी टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कैसा स्वाद है इसका। देख सकते हैं लोग बहुत चाव से खा रहे हैं, ये बहुत ही शानदार खस्ते होते हैं। तो सर कब से आप खा रहे हैं इसको खस्ते, और क्या खास लगता है आपको यहाँ पे जो और जगह नहीं लगता? 2003 से खा रहे हैं, और आपको क्या खास लगता है यहाँ पे? टेस्ट जो है यहाँ का सबसे बेस्ट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है भैया बता रहे हैं। और इतने सालों में एक ही तरह का टेस्ट, एक जैसा टेस्ट है, कोई चेंज नहीं आया, जबरदस्त टेस्ट कायम रखे हुए हैं मोहन खस्ता वाले। ट्रॉली जाते थे या खाते थे पीपीएन? जी जी जी। और आज काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तब भी खा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप काफी टाइम से खा रहे हैं, जब से कॉलेज से अब तक बिजनेस में आ गए, लेकिन फिर भी खस्ता छोड़ा नहीं, बहुत ही शानदार। खुद का होटल है। अच्छा भैया, खुद का होटल है लेकिन भैया फिर भी आप टेस्ट करते हैं। कबाब पराठे की। अच्छा कबाब पराठे कहाँ पे आपके भैया? गुरकैंड में। और इसी तरीके से मेरे का नहीं मजबा रहता है। आप भी मौका दीजिए हमें कभी। बिल्कुल। क्या नाम है आपकी दुकान का? अफ्तार कबाब वाले। अफ्तार कबाब। दिल्ली होके आया हूँ 10 साल, आप बता रहे भैया बता रहे कानपुर का फूड का कोई मुकाबला नहीं, सच में ये बात सही है कि नहीं भैया? हाँ, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि कानपुर के जैसा खाना किस भारत देश में कहीं पर भी मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं यहाँ कम से कम पूरी अपनी 25 साल की उम्र से यहाँ पे मोहन खस्तों को खा रहा हूँ और इनके टेस्ट में कोई भी परिवर्तन शुरुआत से लेके अभी तक नहीं आया है। आप कानपुर में किसी भी कोने में दिखाएंगे आपको स्वाद लाजवाब स्वाद मिलेगा। तो आपने भैया का सुना कि ये जो स्वाद है मोहन खस्ता का, कई सालों से भैया खा रहे हैं और कभी चेंज नहीं हुआ स्वाद, ज़बरदस्त खस्ते हैं यहाँ के नंबर वन करके बताते हैं कैसा है स्वाद इसका। भैया हम लोग को भी दे देना, दो पत्ते बना दीजिएगा। खस्ते बन रहे हैं यहाँ पे, खस्ते में डालते हैं ये दही बड़े। उसके साथ आपको चटनी के साथ मिलते हैं मिर्ची भी, जो उसका स्वाद दो गुना कर देती है। ये देखिए हमारे लिए प्रिपेयर हो रहा है ये। तो ये हमारा पत्ता रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ये। चलिए अब आपको खा के बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। पहले कितना बेहतरीन लग रहा है,
बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा है इसका। आप जब आएंगे मोहन खस्ता, आप खुद खाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका स्वाद कैसा है। 40-50 साल पुरानी दुकान है लेकिन अभी भी इसका स्वाद बरकरार है, वैसे ही वैसा ही है जैसे कि आपने रिव्यूज़ में देखा, लोगों ने बताया दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट खस्ता शॉप इन कानपुर। और उसके साथ आपको मिर्चा भी मिलता है जिसका स्वाद दोगुना कर देता है। मिर्चा खाइए अगर आपको अच्छा लगता है, बेहतरीन ज़बरदस्त लाजवाब। 100 में 16 दो दो चार जगह। ये देखिए इधर रेडी कर दिया इन्होंने प्रिपरेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे खस्ते में आलू भरा जा रहा है। Hope you have enjoyed this vlog. Please like, subscribe और share. आप लोग like और subscribe नहीं कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं। ये था मोहन खस्ता भंडार। आगे आपको ले चलेंगे कानपुर के कुछ और अच्छे stalls पे जो कि number one stalls होंगे, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार। Thank you for watching my vlog. Bye bye.